मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा ब्लॉक के अंदर एक छोटा सा गांव गुढ़मी पड़े छे, जहाँ के किसान भैया सा इस साल अच्छा धान उपजावे खातिर सपना देखले रहल थीं दा। लेकिन बारिश न होए के कारण धान के फसल बर्बाद हो गेलै और बहुत सारा खेत में धान के रोपनियो न भेलै, जैसे किसान बहुत चिंतित हथिन। आओ हम एक किसान फूल कुमारी देवी हथिन जिनका से मिलै छी। लेव सतवा पेलो कहला चिंता में डूबल हत। धान तो सब सूखिए गेल, रोपनी में जे खर्चा भेल वो सब बेकार चल गेल। हाँ, हम तब दोबारा घाटा में हते। अच्छा, जीविका के ई सब धान कुछ मिल सके छै? हाँ, हमरा सके जीविका में जे VRP भैया हथिन समूह में आके VRP भैया आबै छिन त खेती के विषय में जानकारी दै छिन, साथे साथे वीडियो देखा के खेती के नया नया तकनीक के बारे में बतबै छथिन। एकरा बारे में VRP भैया से बात करन त जरूर कोई समाधान बतेतन। एगो काम करा, जल्दी से VRP भैया के फोन लगावा। हेलो। हाँ VRP भैया, हम काजल समूह से फूल कुमारी बोले छी। हाँ दीदी, प्रणाम प्रणाम। हाँ भैया, हमर धान के खेती सब सूख गेले, अब की करिए? हाँ दीदी, घबराए के कोई बात न है, कल समूह के मीटिंग में आओ। बिना बारिश के फसल जे बर्बाद भेलै ह, ओहि पर चर्चा होतै और ओकर समाधान भी निकालल जतै। हाँ भैया, अच्छा, हमरा समूह के मीटिंग में आवे ला कहै छी। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है भैया, हम कल समूह के मीटिंग में आवे छी। हाँ दीदी, तब धान के की समाचार है, कैसन है धान अभी? भैया, आप धान के लेल पूछ रही हन, मगर धान तो इतना रौदी है जो धान साफ सूख गलक, जे भी बचल है से भी सूख रहलक। और बाकी दीदी, यहाँ सबके धान के की हाल है, कैसन है यहाँ सबके धान? भैया, जे भी धान रहलक से रौदा के कारण सूख रहल है, आ जे भी बचल है वो सूख गेल। भैया, हमरो धान के तो वही हाल है। हाँ दीदी, फूल कुमारी दीदी फोन कैले रहथिन, हुनका भी धान के बड़ा बुरा हाल है, धूप के कारण हुनकर भी धान सूख गेलै और चिंता में रहथिन, आज ऊ भी आवे वाला हतन मीटिंग में। सभी दीदी भैया के प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम। बैठू दीदी, बैठू। देखू दीदी, बरसात न होए के कारण धान सब सूख रहल है, ऐसे किसान के बहुत नुकसान है, बहुत सारा खेत में रोपनी भी न भेलक है दीदी, और एकर भरपाई कैसे करब, एकरा बारे में अहाँ सब जाने के चाहै छी। हाँ भैया, एकर भैया हाल बता दो। हाँ दीदी, मौसम के बदलैत परिवेश के देखैत में अरहर के खेती बहुत अच्छा उपाय है, जेकरा हम सब लहरी कहै छी दीदी। भैया, लहरी के खेती करे से की फायदा है? दीदी, लहरी के खेती में पानी 9 के बराबर लगै छै। दीदी, एक कट्ठा में कम से कम 60 किलो उपज होइए। दीदी, एक किलो लहरी के कीमत बाजार में केते है? भैया, बाजार में 60 रुपए लहरी बिकाय छै किलो। अच्छा दीदी, तो एक कट्ठा में अगर 60 किलो लहरी भेलै या 60 रुपये बिकै छै मार्केट में बाजार में, तो 60 × 60 एक कट्ठा में 3600 के अनाज। हाँ भैया, एक कट्ठा में खर्च कितना लगै छै? हाँ दीदी, खाद और बीज के खर्च जोड़ला से कट्ठा में 200 रुपया लगैया। भैया, लहरी बोए के समय बचल है? हाँ दीदी, लहरी के खेती किस्म पर निर्भर करै छै, BSMR 736 जे किस्म है अभी ओकर समय है दीदी, जेकर बुआई अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक कर सकै छी। हाँ भैया, रहरी के खेती तो पिछात हो गले, अब रब्बी के खेती कैसे होतै? एकर भी उपाय है दीदी। बिमल दीदी बहुत अच्छा सवाल कलथिन है दीदी, हम सब लहरी के साथे साथ दोहरा फसल भी लगा सकै छी, जैसे मक्का,
मटर, बोरी इत्यादि। भैया दोहरा फसल से की लाभ है? दोहरा फसल से बहुत फायदा है दीदी। अगर एक फसल नुकसान हो गेल तो दूसरा फसल से ओकर भरपाई हो सकैय। एमे खर पतवार कम होइय, कैला कि दोहरा फसल होय के कारण एमे निकौनी के जरूरत कम पड़ैय। एकरा खेती करे के लेल भैया की करे के पड़ै छै? एकर खेती करे के लेल सबसे पहले जमीन के तैयारी करे के पड़ै छै। त कल्हे कोन दीदी पहले खेत तैयारी करिहन? खेत के तैयारी पहले भैया हम करम। ठीक है दीदी, ठीक। हुनका देख कर खेत के तैयारी हमहू कर लेम भैया। हाँ दीदी, त कल्हे हम इनका खेत में सबनी गोरा के खेत के तैयारी कैसे होइ छै से बताय दी। ठीक है भैया, ठीक है भैया। चलो ना भैया, रहड़ी के खेत कैसे तैयारी होती से बताना दो। चलो ना दीदी, हम तो चलते हती ता। पहले जमीन के तैयारी में कौन कौन सामान लगता है वहाँ के हम अभी बता रहल छी। एक ठो कोदारी चाही दीदी, नापे के लेल इंची टेप भी चाही दीदी, खर पतवार हटावे के लेल और रोपाई करे के लेल खुरपी भी चाही। रस्सी रखला से यह फायदा है कि दौन सीधा भेल है कि न एकर पता आसानी से चल जाइए। एक कट्ठा खेत तैयारी करे के लेल 13 किलो बर्मी कंपोस्ट भी देवे के होइए दीदी। भैया बर्मी कंपोस्ट के कौन काम है? दीदी बर्मी कंपोस्ट जेकरा लोग केचुआ खाद भी कहै छै, ओकर मुख्य रूप से दू काम है। पहला तो नाइट्रोजन उपलब्ध करबै छै मिट्टी में, दूसरा जमीन के उर्वरा शक्ति के बढ़बै छै। भैया सामान तो बता देली, अब जमीन के कैसे तैयार होती से बता दे। हाँ हाँ बिल्कुल बता रहल छी दीदी। ऐसे ही पहले दौन बनाबे के पड़ै छै। देखो दीदी अभी एगो दौन बन गेलै, अब ए पर के खर पतवार दौन पर के चुन लेना जरूरी है दीदी। हाँ दीदी, ई दौन जे है एकरा बिल्कुल ऐसे ही तैयारी कैल जाय छै। भैया ई त आलू के खेती लेखा हो गेलै। हाँ हाँ दीदी भले कहली, त आलू के दौन लेखा ही दौन बनायल जाय छै। दीदी रसरी से एहे फायदा है कि दौन जेकरा लाइन ई दौन जेकरा कहै छियै ई एकदम सीधा होय। भैया दूसरा दौन कितना दूरी पर बनते? दीदी दौन से दौन के दूरी 1.5 मीटर होइ छै, जे कि अहाँ के हम इंची टेप से नाप के बता दै थी। ठीक। दीदी इंची टेप ले जाओ उधर। 1.5 मीटर के दूरी पर दूसरा दौन खींचल जतै आ यही तरह से जितना भी दौन होते सब 1.5 मीटर के दूरी पर खींचल जतै। दीदी 1.5 मीटर के दूरी पर अब हम कुछ दौन बना ले ली। दौन बनावे के समय में एगो सावधानी बरते के पर, खेत के जोन मुहे ढाल रहत वही मुहे दौन बनावे के चाहे। देखो दीदी जैसे आई खेत के ढाल ए मुहे है तो पानी इधर से आता है और इधर बह जाते, यही लेल दौन यही तरह से बनायल जाते। भैया दौन तो बनिए गेलै, एकरा ऊपर और कुछ करे के है? अब जे है दीदी सारा दौन पर बर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद जेकरा कहै छियै छिड़क के आ मिलावे ला है। अब बर्मी कंपोस्ट तो हम दौन पर छिड़क ले ली, एकरा खुरपी से मिला देवे के भी होइ छै, जे कि हम मिला रहल छी। ये
ई दीदी लहरी के बीज है। एक कट्ठा खेत रोपे के लेल 150 ग्राम बीज के जरूरत पड़े छे। दीदी ई दवाई के इमीडा क्लोरोपीड कहल जाय छै। 150 ग्राम लहरी के बीज उपचार करे के लेल 1 ml दवा के जरूरत होइ छै। दीदी एगो बात पर जरूर ध्यान देम, जोन समय बीज उपचार होतै ओ समय खाना खाए वाला बर्तन में बीज उपचार न करब। हाँ दीदी, बीज उपचार करै समय दस्ताना जरूर लगाबे के होइ छै हाथ में। लहरी के बीज उपचार करे के लेल लहरी के बीज और इमीडा क्लोरोपीड के होना जरूरी है। बीज के उपचार करे के बेरी दस्ताना के भी जरूरत होइत है दीदी। अब एकरा एमे डाल के मिला रहल छी। अब एकरा एही तरह से अच्छा से मिला देवे ला है दीदी। अच्छा दीदी, अब जे है बीज उपचार हो गेलै। ठीक है भैया, बीज उपचार करे से कौन फायदा है भैया? देखो दीदी, बीज के उपचार करे से खेत में लगायल बीज के चूहा न खतै दीदी, और प्रारंभिक अवस्था में शुरू शुरू में कीट व्याधि न लगतै। खेतो तैयारी हो गेलै, बीजो उपचार हो गेलै, अब की करे के है? अब रोपाई होतै दीदी। 40 सेंटीमीटर पर एक एक बीज लगाबे के है, रोपे के है, जे कि यहाँ के हम नाप के बता देते हती इंची टेप से। हाँ दीदी, अब जे है एकरा 40 सेंटीमीटर पर एक एक बीज रोपे के है, तो एक बीज यहाँ रोपम और दूसरा बीज यहाँ रोपम, अही हिसाब से रोपित जाए के है आगे में। हाँ दीदी, दौन से दौन के दूरी 150 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा के दूरी 40 सेंटीमीटर, समझ ली ना दीदी? हाँ भैया, समझ गए। ठीक, दौन पर रोपला से लगाला से की फायदा है भैया? दौन पर लगाला से दो फायदा है दीदी, बारिश के पानी और ज्यादा नमी जे रहत खेत में वही से बचाव होइया। दूसरा फायदा दीदी, मिट्टी भुरभुरा बनल रहैया, ओइसे हवा के आवागमन बनल रहैया और ऐसा से उपज में 30% के बढ़ोतरी होइया। धान खराब हो गेला से भैया बड़ा चिंता में रहली है। अब लहरी के खेती कैला से एकरो समाधान हो जाते। लहरी के खेती के लेल इतना जानकारी देली, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। चले आना कभी गाँव।